अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, अभी जैसे कि आपको पता है, अक्टूबर का महीना है और महीनों के हिसाब से साल में तीन अहम वैक्सीन होती हैं, जिसमें से अभी ये महीना चल रहा है अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। जिस तरह से आपको पता है कि गर्मियां जा चुकी हैं और सर्दियां आ रही हैं, एक बहुत अहम बीमारी होती है पीपीआर। दोस्तों, पीपीआर एक ऐसी बीमारी है जिसमें देखा गया है कि पूरी दुनिया बहुत परेशान रही है, खुसूसन बकरियों और भेड़ों के हवाले से। तो ये एक वायरल बीमारी है, वायरल है जो फैलता है एक से दूसरे जानवर में। जिस तरह से कोविड का आप लोगों ने देखा था, अभी एक पीरियड गुजरा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा के जरिए भी और ताल्लुक बनाने के जरिए भी फैल जाता है। तो इसी तरीके से जो पीपीआर एक बीमारी है जो जानवरों में बहुत अहम समझी जाती है, उनकी जान ले लेती है। और अभी तक दोस्तों एक मैं बात बताऊं कि 75% इसका इलाज जो है वो नहीं दरियाफ्त हुआ है, क्योंकि पीपीआर दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक वाहिद बीमारी नहीं होती, चार से पांच बीमारियां शामिल होकर वो एक साथ अटैक करती हैं जानवर पर। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये पीपीआर बीमारी आई कहां से। दोस्तों 1942 में साउथ अफ्रीका की ये बीमारी है जहां पर ये जाहिर हुई थी फर्स्ट टाइम, और वहां से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली है। सबसे पहले जिस तरह से आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर जो है मवेशियों के ऊपर इन्हिसार किया जाता है और मवेशी पाले जाते हैं, और उसमें ज्यादातर बकरी और भेड़ों पे ये बीमारी असरअंदाज होती है, और इसमें जानवर जो है बहुत जल्दी जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। शुरुआत के अरसे में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जिस तरह से आप जानते हैं कि इंसानों भी कई ऐसी बीमारियां आई थी जिनका शुरू में कोई इलाज नहीं होता था और इंसान मौत के मुंह में चला जाता था, ये तो फिर भी जानवर है। तो इसी तरह 1942 में जब ये साउथ अफ्रीका में ये डायग्नोज हुई कि ये एक पीपीआर ऐसी बीमारी है जो एक वाहिद बीमारी नहीं होती, इसमें कई बीमारियां मिलकर जानवर के ऊपर अटैक करती हैं। तो पीपीआर जो है 1942 में जब साउथ अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैली गई, तो माहरीन ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, इस बीमारी का इलाज निकालने की कोशिश करी, जो आज 2023 में अगर हम खड़े हुए हैं, 2023 में भी इस बीमारी से अभी तक हम सिर्फ 25 से 30% तक इलाज कर चुके हैं। जी दोस्तों, ये इतनी मौलिक बीमारी समझी जाती है भेड़ बकरियों के लिए। तो दोस्तों इसकी निशानियां मैं आपको बताता चलता हूं, चंद ऐसी निशानियां हैं जो अगर आप देखें आपके जानवरों में, अगर ये निशानियां नजर आए तो आप समझ लें कि आपका जानवर पीपीआर में दाखिल हो रहा है या पीपीआर की बीमारी उसको लगना शुरू हो चुकी है। तो अलामात से पहले मैं आप लोगों से एक चीज और बता दूं कि ये बीमारी जो है मौसम जब गर्मी से सर्दी में जाता है और जानवरों की फसल तब्दील होती है, जानवरों की फसल तब्दील होने से मेरा ये मुराद है कि जब आप देखते हैं कि जंतर जा रही होती है, लूसन और बरसीन आ रही होती है, यानी गर्मी जा रही होती है खुश्की ड्राई मौसम और वो कन्वर्ट होता है सर्दी में, तो उस वक्त ये बीमारी फूटना शुरू हो जाती है, ये वायरल फैलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस बीमारी में जानवरों के अंदर ज्यादातर आपने ये देखने को आएगा कि जानवर को सबसे पहले बुखार होगा। बुखार 104 से लेकर 106 तक भी होता है, और ये तेज बुखार जो है वो जानवरों को तोड़ देता है। जब जानवर इस बुखार में आकर उसका इम्यून सिस्टम टूट जाता है, तो उसके बाद इसको नजला होना शुरू होता है, और नजला इस कदर होता है कि उसकी नाक से बलगम के जैसा सफेद मादा जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और उसके नाक के अंदर कीचड़ बलगम की तरह जमना शुरू हो जाती है, और उससे स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जब बलगम आना शुरू होता है नाक से, यानी पानी बलगम जैसा आना शुरू होता है, तो आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है और आंखों में कीचड़ जमना शुरू हो जाती है। ये इसकी दूसरी इसकी तीसरी अलामत है। उसके साथ साथ मुंह के अंदर छाले होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जानवर का मुंह खोले तो मुंह अंदर से सफेद होना शुरू हो जाता है, जैसे मुंह के अंदर से पानी बिल्कुल उसने गला दिया हो, उसकी जबान उसके अंदर के कल्ले जो होते हैं वो गलाना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर छाले होना शुरू हो जाते हैं। जब ये अलामत होती है, जब बकरी के मुंह में छाले होना शुरू होते हैं, तो वो खाना पीना भी छोड़ देती है। ये इसकी होगी दोस्तों चौथी अलामत। पहली अलामत कि उसको 104 से 106 बुखार होता है, दूसरी अलामत उसकी नाक से बलगम नुमा जो है वो मादा आना शुरू होता है बदबूदार, और तीसरी अलामत जो उसके आंखों में कीचड़ और पानी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और चौथी अलामत उसके मुंह के अंदर छाले होना शुरू हो जाते हैं और मुंह जो है वो सफेद होता है और अंदर से गोश्त उसका कल्ला जो है वो गलना शुरू हो जाता है जैसे फट रहा हो।
दोस्तों पांचवी अलामत में उसको खांसी कफ होना शुरू हो जाती है। कफ होने का मकसद ये है कि उसके फेफड़ों पे भी अब बीमारी जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो चुकी है। ये इसकी पांचवी अलामत है। पांचवी अलामत के बाद अब दोस्तों जानवर जब इतनी बीमारियों में एक साथ मुब्तला हो जाता है तो वो टूट चुका होता है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी डायरिया हो जाता है और डायरिया इस कदर हो जाता है कि वो उसका मोशन नहीं रुकते और वो डिहाइड्रेशन में भी चला जाता है और उसके जिस्म में कोई भी एनर्जी का मादा मौजूद नहीं होता। तो दोस्तों ये है मेन अलामत। अगर आपके जानवरों को इस तरह की अलामत सारी जाहिर हो गई तो आप समझ लें आपके जानवर को पीपीआर और पीपीआर हो चुकी है। तो सवाल ये होता है कि हम इस पीपीआर होने से पहले किस तरह से अपने जानवरों को बचा सकते हैं। दोस्तों बचाने का सबसे अहम तरीका ये होता है कि ये जो मौसम होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर या सर्दियां जैसी स्टार्ट होती हैं, जैसे हम लोग कराची में रहते हैं, मैं कराची की बात करता हूं कि अभी यहां पर उनकी ठंडक नहीं आई और शबनम सही से गिरना शुरू नहीं हुई, लेकिन कराची से बाहर सिंध के कुछ इलाके और खुसूसन पंजाब के इलाकों में रात के टाइम शाम से ठंडक खुनकी होना शुरू हो चुकी है और शबनम भी गिरना शुरू हो चुकी है जहां पर इनकी फसल उगती है, हरी फसल। तो दोस्तों ये मेरा बताने का मकसद क्या हुआ कि पंजाब में ठंडक हो चुकी है। दोस्तों मकसद ये होता है कि जब वहां पर एक फसल चेंज हो रही होती है, सर्दी के मौसम में ही देखा गया है ज्यादातर 80% या 90% अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होऊंगा कि पीपीआर का हमला जानवरों पे होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक वायरल बीमारी है और उसके साथ साथ ये जुम्बी बीमारी भी कहलाती है। जुम्बी बीमारी या वायरल बीमारी का वायरल का मैंने जिस तरह से आपको बताया, जुम्बी ये जो जानलेवा होती है और एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाती है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक ये मशवरा है कि आप लोग एहतियात करें कि सर्दियों के दिनों में खुसूसन नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जब तक पीक की सर्दियां पंजाब में या सिंध में आपके शहर से दूसरे शहर में मौसम बहुत शदीद तब्दील हो चुका है, उस वक्त आप जानवरों की ट्रांजेक्शन ना करें, यानी एक जानवर दूसरे शहर से एक शहर से दूसरे शहर ना लेके आए। आप पंजाब से इन 4-5 महीनों में अगर जानवर एक शहर से दूसरे शहर नहीं लेके आएंगे तो उस शहर में मौजूद जो पीपीआर की बीमारियों की अलामत है वो दूसरे शहर में नहीं आएंगी और उसी तरह आपके दूसरे जानवर भी बचे रहेंगे। ये तो एक होगी छोटी एक तदबीर। दूसरी तदबीर क्या है दोस्तों, हम अपने जानवरों को दाने के जरिए भी बचा सकते हैं। अब सवाल आया कि दाने के जरिए किस तरह से बचा सकते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल, दाने के जरिए हम बचा इस तरीके से सकते हैं कि हम जानवरों को अक्टूबर के जो महीने स्टार्ट हो चुके हैं इसमें हम अपने जानवरों को हरा देना बंद कर दें। जिस तरह से जंतर आई, जंतर एक अच्छी चीज है, हमें हरे में सिर्फ जंतर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने जानवरों के लिए क्योंकि वो न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा भरपूर भरी हुई होती है और न्यूट्रिशन उसमें बहुत ज्यादा होता है और जानवरों के लिए सेहत अफजा भी होती है। लेकिन जब जंतर चली जाए तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में हमें अपने जानवरों के हरे चारे को तब्दील करना होता है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम अपने जानवरों के दाने हरे को जो है बंद कर दें, जंतर अब खत्म हो गई तो इसके अलावा क्या दें? इसके बाद तो जंतर के बाद तो तमाम सूबों में लूसन और जो है बरसीम की आमद आमद होती है और हर इंसान जो है अपने जानवरों को लूसन और बरसीम के ऊपर ले जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसी गलती की बुनियाद के ऊपर आप देखें कई मवेशी जो है लुकमे अजल बन जाते हैं और वो मर जाते हैं पीपीआर की बीमारी में आकर। मकसद यह है मेरा आपको बताने का कि दोस्तों हम कोशिश करें कि सर्दियों के इन दिनों में खुसूसन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जब सर्दियां पड़ रही हों, शबनम गिर रही हो, रात के टाइम ठंडा मौसम हो और पौधों पे हरी घास पे शबनम गिर रही हो तो उस वक्त हम हरी घास इस्तेमाल ना करें, हम ड्राई चारे पे आ जाएं। ड्राई चारे में कई चीजें ऐसी मौजूद हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा अल्फा है अगर हम कहें तो मुख्तलिफ चीजों की है इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें अल्फा अल्फा यानी लूसन, लूसन की एक खास किस्म होती है, एक अच्छा बीज होता है जो अल्फा अल्फा कहलाता है और एक सादा लूसन होता है जो आप लोगों ने देखा होगा वो। अगर हम लूसन की भी हे खिलाएं, अगर हम हरे को ड्राई करके उसकी हे बनाकर अपने जानवरों को सर्दियों के दिनों में दें तो आपका जानवर जो है दोस्तों 50% या 40% जो है वो बच जाता है पीपीआर के असर से। जी दोस्तों बिल्कुल, हमें सर्दियों में कौन से ऐसे दाने हैं, ड्राई दाना है या ड्राई हरा है जो हम उनको दे सकते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह जल्द बताऊंगा क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है।
पंजाब में सिम में अभी कराची में भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो चुका है, तो हमें अभी से तैयारी करनी है अपने जानवरों के दाने को तब्दील करने की। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसी तरह से ड्राई मैटर है, ड्राई दाना है वो अब मिलना शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि जल्द से जल्द अपने पास स्टॉक करें 2 से 3 महीने का, और अपने जानवरों को जो है ड्राई दाने के ऊपर लेके जाएं। ड्राई दाना क्या देना है वो इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हम ये दाना अगर अपने जानवरों को देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 60-70% आपका जानवर जो है पीपीआर की बीमारी में आने से बच जाएगा और एक आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह की मेरी वीडियोस आगे आती रहेंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आप लोगों को आपके जानवर पालने में आसानी पैदा करेंगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है तो हमें दाना भी तब्दील करना है, अपनी जानवरों का चारा भी तब्दील करना है, वो क्या होगा इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आती है तो उन्हें लाइक कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से ही दोस्तों मैं इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको और अपने शौक को इसी तरह से आगे बढ़ाता रहूंगा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।